हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये है हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिंदू गांव, जो हंगरी में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हंगरी के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं, यहां के पुरुष केवल धोती कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज नहीं बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं और सबसे बड़ी बात, यहां के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में हंगरी के इस सबसे बड़े हिंदू गांव में आने वाले टूरिज्म की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं उससे तीन गुना ज्यादा पर्यटक अकेले इस एंशियंट हिंदू कल्चर पर बेस्ड इस गांव को देखने के लिए आते हैं। ये डेटा हंगरी की गवर्नमेंट ने खुद से शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं कि हंगरी में इस हिंदू गांव की हिस्ट्री क्या है, कैसे आज ये गांव हंगरी में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको किसने और क्यों बनाया, और जानेंगे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे सनातन के एंशियंट कल्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है जिससे इन देशों में सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस गांव के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नाम है नव ब्रज धाम यानी कि नया ब्रज धाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चरल सेंटर, पर इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण वैली ही है जो लगभग 660 एकड़ में फैली हुई है। इस गांव में खुद के स्कूल्स हैं, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, मंदिर है, खुद की जैविक कृषि वो भी बैलों के साथ सनातन के प्राचीन पारंपरिक तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में हंगरी के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही इस गांव में खुद की इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि पूरे गांव के हर घर और हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर सेल लगाए गए हैं जिससे हंगरी की गवर्नमेंट ये बात खुद मानती है कि ये पूरा गांव आत्मनिर्भर है जो हंगरी की नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है, जो गौशालाओं से और जैविक कृषि से अपने साधन खुद उत्पन्न कर रहा है। तो अब प्रश्न वही उठता है कि हंगरी में इस गांव को कब और किसने बनाया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में इस गांव को बनाया गया था आज से लगभग 30 साल पहले यानी कि सन 1993 में हंगरी के एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी के द्वारा हंगरी में इस गांव की स्थापना की गई थी। और शिवराम स्वामी के निस्वार्थ भावना से किए गए सनातन के प्रति महान कामों को बताना शायद ही मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं इस महान संत के द्वारा किए गए सभी कामों को इस वीडियो में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो एक घंटे से ऊपर चली जाएगी। दोस्तों शिवराम स्वामी का जन्म सन 1949 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ था और तब ये सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते थे, पर जब ये सन 1980 में लंदन आए तब इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन को ज्वाइन किया और इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया और अपना सब कुछ छोड़ सनातन में एक साधु का जीवन अपना लिया और अपना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का मोटो बनाया जो सनातन के वेदों से इंस्पायर्ड है। और इनको भगवत गीता इतनी ज्यादा पसंद आई कि हंगेरियन लैंग्वेज में भगवत गीता को ट्रांसलेट करने का पूरा क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है, जिसको पढ़कर बहुत सारे हंगरी के लोग सनातन धर्म अपना पाए हैं और इस हिंदू वैदिक गांव में रहने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिसके कारण साल 2009 में शिवराम स्वामी के कामों से खुश होकर हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव कैरोली मनहर्ज के द्वारा इनको हंगरी गणराज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया जो हंगरी में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार शिवराम स्वामी के उत्कृष्ट और मूल्यवान धर्मार्थ और मानवीय कार्यों के लिए इनको दिया गया था। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक साल में जितना टूरिज्म अकेले पूरे हंगरी में आता है उससे तीन गुना ज्यादा टूरिज्म एक साल में अकेले हंगरी के इस हिंदू गांव को देखने के लिए आता है, यानी कि एक साल में केवल 10,000 पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं जो इनका ऑफिशियल डेटा है, और दूसरी तरफ एक साल में 30,000 से ज्यादा पर्यटक केवल हंगरी के इस हिंदू गांव को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। Mi veszett el belőle akkor? A
यहाँ पर हर हिंदू त्योहार को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए खुलेआम हंगरी की गवर्नमेंट इस हिंदू गांव को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, हंगरी में कृष्ण भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और इस गांव का हंगरी में ट्रेंड कितना ज्यादा बढ़ चुका है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि जब ये गांव बनाया गया था तब इसके लिए 110 एकड़ लैंड खरीदा गया था इस्कॉन के द्वारा, और आज ये गांव फैलकर 660 एकड़ का हो चुका है। और धीरे धीरे हर साल इस्कॉन हंगरी में और ज्यादा लैंड खरीद रही है इस हिंदू इको विलेज को फैलाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।